नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले डिफेंस के एग्जाम्स के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो केवल डिफेंस के एग्जाम जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, RPF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, BSF एंड अदर डिफेंस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपको यह वीडियो एंड तक देखना चाहिए। और एग्जाम में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी एंड ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो भारतीय महिला चढ़ी थी उनका नाम बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी बिमला देवी, ऑप्शन सी किरण बेदी एंड ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी किरण बेदी। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शंस होंगे आपके, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कोसी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शंस होंगे आपके, ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी होगा आपका इंदिरा सागर बांध एंड ऑप्शन सी होगा नागार्जुन सागर बांध एंड दोस्तों ऑप्शन डी है भाखड़ा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। तो दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शंस हैं वो हैं जवाहर सुरंग, ऑप्शन बी रोहतांग सुरंग, ऑप्शन सी मलीगुंडा सुरंग एंड ऑप्शन डी होगा आपका कामसेट सुरंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहर सुरंग। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो जवाहर सुरंग है और जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शंस होंगे आपके, ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी एंड ऑप्शन डी होगा एम फातिमा बीबी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एम फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो पंडित नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शंस मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रजिया बेगम एंड ऑप्शन डी होगा बछेंद्री पाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।